अच्छा तकबर का मतलब जानना चाहते हैं। पहले फॉन्ट म्यूजिक में तकबर लिख दिया, तकबर क्यों नहीं है के है, बाद में ठीक लिख दिया तकबर। तकबर का मतलब घमंड गुरूर, ठीक है। आमद का मतलब आना, आना ठीक है। आमद आमदनी भी है इसका एक अर्थ, हाँ एक अर्थ, अरे यार एक अर्थ आमद माने आमदनी भी है इनकम, और आमद का मतलब आना भी है, ठीक है। आमद ठीक है, खुश आमदीद उसी से बना है। अच्छा ये बात हो गई। आमद की अगला शब्द है हमारे पास, अगला कमेंट है, जनाब मैं जब मैं बड़ा होकर दिल्ली में जाऊँगा आपसे भी मुलाकात करूँगा। अभी छोटे हो गया तुम, कितने छोटे हो गई हैं भाई। दिल्ली में जब भी कभी कोई आए तो मोस्ट वेलकम, बताइएगा, सबसे मिलने की कोशिश करेंगे। शायद कहते हैं सर एक सवाल है कि लड़कियों के नाम में वी और वानो का मतलब, अच्छा बी और बानो पूछ रहे हो, चलो कोई बात नहीं बताऊँ बी और बानो का क्या मतलब है। ये शब्द शादी के बाद हटा देते हैं का क्या मतलब है, देखो कहीं हटाते हैं कहीं नहीं हटाते हैं, ये तो रिवाज है परंपरा है। आमतौर पर ये होता है कि लड़कियों के नामों में हस्बैंड का नाम जोड़ दिया जाता है, और ये भी कुछ जगहों पर होता है कि बच्चियों के नामों में पहले फादर का नाम लगा होता है, बाद में फादर का नाम हटाकर हस्बैंड का नाम लगा दिया जाता है। ये परंपरा है, इसका मतलब से क्या कोई लेना देना थोड़ी, लेकिन हाँ ये है कि मतलब पूछ रहे हो। बी और बानो का बीबी का शॉर्ट फॉर्म है बीबी, यानी मैडम बोलते ना मैडम, उसको इस तरह से उर्दू में बोला जाता था, और कहीं कहीं अभी बोला, अभी भी बोला जाता है बीबी, बी वी नहीं बीबी, ठीक है। मैडम जैसा, जैसे कि मैडम, जैसे कि देवी जी कहते हैं ना, देवी जी जरा सा उधर हट जाइए, या बीबी जरा इधर हट जाइए, या मैडम जरा इधर हट जाइए, तो ये बीबी का की शॉर्ट फॉर्म हो गई बी।